सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते तो आज रहें। सीखी स्वर संधि की आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है और इतनी छोटी वीडियो है, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहें। बहुत ट्रिक से बताऊंगा आपको कैसे आप पहचान लेंगे कौन सी संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आप दीर्घ संधि पे बात कीजिए, तो देखो दीर्घ संधि का क्या है, बीच वाला वर्ण मैंने आपको बताया कि क्या होना चाहिए, जो संधि वाला वो आ ई और ऊ होना चाहिए। तो जहां पे भी आपको संधि वाला वर्ण आ ई और ऊ मिले, अपनी आंख बंद करके उसको दीर्घ संधि आपने टिक कर देनी है। फिर से देखो एग्जाम्पल देख लीजिए, पुस्तकालय, तो देखो मैंने हाईलाइट कर रखा का को, तो देखिए का कौन सा, देखो बढ़िया है, ठीक है। इसी तरह से विद्यार्थी देखिए, जो बीच वाला दिया है वो कौन सी आपकी आ है। फिर से रविंद्र देखिए, तो रविंद्र में आपकी बड़ी है रविंद्र, गिरीश, मुनीस और भानुदय, देखिए मुनीन्द्र है भानु, भानुदय देखो बड़ी यू है, बड़ी यू भानुदय में। इसी तरह से वधूर्जा और विधुदय, तो ये सारे आपको जहाँ पे भी बड़ी ई बड़ा आ और बड़ी ऊ यानी कि आ ई और ऊ मिले, वो आपका कौन सा है, दीर्घ संधि हो जाएगी। बहुत ही आसान ट्रिक है, उससे और आसान है गुण संधि। देखिए बीच वाला वर्ण क्या होना चाहिए, आपका ए होना चाहिए या ओ होना चाहिए, बस ए और ओ जहाँ पे आपको देखिए आंख बंद करके आपने उसको गुण संधि कर देनी है। देखो नरेंद्र है, फिर से मैंने हाईलाइट किया वर रे को, तो देखो रे में एक ही मात्रा है, ज्ञानोपदेश, दूसरा ज्ञानोपदेश, तो ज्ञानोपदेश में फ्रेंड देखो ओ है, ज्ञान नो, ओ में कौन सी है आपकी, ओ की मात्रा हो गई ये। और फिर से देखो भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, तो भारतेंदु में जो ए है, देखो बीच का वर्ण संधि वाला ए है, तो ये गुण संधि है। महेश में ए है, दिनेश में ए है, सर्वेक्षण में ए है, इस तरह से महोत्सव, वनोत्सव, वनौषधि, इस तरह से आपने देखा कि जो ए और ओ वाले शब्द हैं वो सारे के सारे आपके कौन से होंगे, गुण संधि वाले होंगे। बस इतना आसान आपने बस माइंड में रखना है कि ए और ओ होगा तो आपकी गुण संधि होगी। फिर से देखो वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि की ट्रिक क्या है आपकी, कि बीच वाला या संधि वाला वर्ण ए या ओ होगा, सॉरी आई और औ, देखो ए और ओ हो तो गुण संधि है, आई और औ होगा तो आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। बस गुण और वृद्धि में यही ध्यान रखना है कि गुण में ए और ओ होगा और वृद्धि में आई और औ हो जाएगा। देखिए एग्जांपल देखो बहुत ही आसान है, देखो एक एक, एक जमा एक एक कैक हो जाएगा, तो आपकी कौन सी आई की मात्रा है। ऐसे मतैक के देखो आई की मात्रा, सदैव देखो आई की मात्रा, महेश्वरी देखो इस तरह से, देखो वनौषधि तो वनौषधि है और महोषधि औ की मात्रा है, तो आई और औ की मात्रा जहां भी आपको मिले बस आपने आंख बंद कर देनी और वृद्धि संधि पे टिक कर देना। तो फ्रेंड्स ये 99% आपको ये ट्रिक काम आती है और ऐसा ही होगा। देखिए यण संधि में चलते हैं, ट्रिक वही है आपकी पुरानी वाली, आपको बताया भी था कि ट्रिक में क्या होगा, बीच वाला वर्ण या और वाह होगा, देखो या और वाह होगा तो यण संधि होगी। देखो अयादि में भी या और वाह आएगा, बस थोड़ा सा यण और अयादि में थोड़ा सा है, तो बस आपने इस वीडियो को आराम से देखो कि यण में क्या है, या और वा बीच में होगा, बस फर्क क्या है कि या और वा से पहले आधा अक्षर आएगा, तो आधा अक्षर या और वा से, वा से जहां भी हो आपका यण संधि ही होगी। बस आपने कुछ भी नहीं सोचना है, डायरेक्ट हिट करना है। अगर आपको इसका नियम चाहिए तो नियम के लिए हमने वीडियो आराम से, एक बड़ी वीडियो तसली से बना रखी, बस आपको यहाँ पे आसान ट्रिक से बता रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे देखो देव्यागमन, तो देखो देव्या है, अब आप ये देख रहे हो कि जो ये या में आ की मात्रा भी है, यहाँ पे दीर्घ संधि भी हो सकती है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स यहाँ पे बोला आधा वर्ण, तो आधा वर्ण है देव्यागमन, तो आपका जो है यण संधि। और वैसे भी आपकी संधि पीछे देखें तो देवी जमा आगमन, ठीक है, और दीर्घ संधि में दोनों बड़ी बड़ी होना चाहिए, बड़ा आ बड़ा होगा, तो यहाँ पे यण संधि में क्या होगा, देवी जमा आगमन देव्यागमन। यद्यपि देखो यद्यपि, तो यद्य जमा अपि, ये भी द द आधा है और य, तो या आ गया यहाँ पे। इत्यादि फिर से देखो आधा था और या है। फिर से नद्यर्पण, तो नदी जमा अर्पण, और इसका जो आप द्या को अगर आप तोड़ेंगे तो आधा दा और या आता, आधा दा और या से द्या बनता है, तो आधा दा आ गया, आधा अक्षर आएगा और या आएगा। अन्वय देखो, तो ना और वाह है, ये देखो वाह है और आधा ना। स्वागत देखो फ्रेंड, सु जमा आगत इसका है, तो हमने इसकी संधि स्वागत करनी है, ठीक है ना, तो देखो स आधा अक्षर है और उसके बाद क्या है, वाह है। अयादि संधि देखिए, इससे और भी आसान है, बहुत ही सिंपल है।
कि देखो बीच वाला वर्ण देखो या और वा होगा, तो बस आपने यण और अयादी में कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यण और अयादी में दोनों में या और वा आता है। बस अयादी में देखो क्या है कि या और वा ही रहेगा, कोई आधा अक्षर नहीं आएगा। और तीन वर्ण ज़्यादातर इसमें क्या होते हैं, तीन अक्षर होते हैं, तीन अक्षर, ये भी 99% तीन अक्षरों के। देखो नयन, देखो नयन तो या है और तीन अक्षर है, गायक में भी या है तीन अक्षर है, कोई आधा अक्षर नहीं है, पवन में भी तीन अक्षर हैं, और बीच का वर्ण वा है। देखो बीच का वर्ण या और वा ही होगा। पावक में देखो बीच का वर्ण वा है, और नाविक में भी बीच का वर्ण वा है। तो या और वा जहां भी आए वो आपका अयादि संधि है, अगर आधा अक्षर पहले ना हो या और वा से और तीन अक्षर हो। तो फ्रेंड्स इतना सिंपल ट्रिक, पर आपने इन चार पांच रूल्स को देखना है, और आप बस आंख बंद करके 99% कुछ इसके अपवाद मिल सकते हैं आपको, लेकिन मैक्सिमम आपको यही मिलेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। तो चलिए।